नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्र ऑनलाइन क्लास में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष होने वाली है क्योंकि अब हम चैनल पे चला रहे हैं एक मैराथन क्लास जिसमें हम कवर करते हैं प्रत्येक चैप्टर के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में। तो ये इस मैराथन क्लास में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी के अध्याय नंबर 4 अर्थात चैप्टर नंबर 4 जन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो मैराथन क्लास का तात्पर्य सिर्फ इतने से कि आपको बिना रुके आपको पढ़ना होता है और मुझे बिना रुके आपको पढ़ाना होता है ताकि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आपका हो जाए ये एक्सरसाइज। आप सभी जानते हैं कि जब भी पेपर बनाया जाता है तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर दिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन नंबर हैं 14 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने हैं 12 क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें टोटल क्वेश्चन 12 हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो वेरी शॉर्ट हैं और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन लॉन्ग भी हैं। तो इन सभी के आंसर हम लोग जानने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन होगा समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट करिए। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनन स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या विचार है ये एग्जामिनर ज़रूर जानना चाहता है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर आपको सटीक और सही इस ढंग से लिखना है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन के सभी पहलू जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक तथा प्रजनन व यौन संबंधी जानकारी व चिकित्सा उपलब्ध कराना होता है। ये टोटल आपको लिखना होगा। अगर ये चैप्टर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो देर किस बात है, इसको लगभग 7 पार्ट में हमने कवर किया है। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, साथ साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाती है। तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इजी चैप्टर है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा और इसके नंबर जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके नंबर भी आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो देर किस बात है, इस वीडियो के बाद अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और कुछ भी समझ नहीं आता है तो जा करके प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देख डालिएगा, पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। वहाँ पर जनन स्वास्थ्य की परिभाषा हमने और डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, तो अगर आप वीडियोज़ देखे होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए सरकार स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजनाएँ बनाकर उन्हें संचार व प्रिंट के माध्यम से लोगों में प्रचारित करती है जिससे कि समाज में रह रहे सभी मनुष्यों का स्वास्थ्य सुधारा जा सके तथा मृत्यु व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। और भारत ने 1951 में पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था जिसमें जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुआ था। मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जनन एवं यौन संचरित रोगों से संबंधी रोगी की देखभाल तथा परामर्श, व्यक्तिगत संबंध तथा जीवन में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त जनन अंगों से संबंधित कार्यप्रणाली परामर्श, किशोरावस्था एवं संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित संक्रमण रहित यौन संबंधित क्रियाकलाप, एड्स एवं अन्य यौन संचरित रोगों के संबंध में लोगों को जागरूक करना यौन शिक्षा या जनन स्वास्थ्य के प्रमुख भाग हैं। तो ये कंप्लीट आंसर लिखना होगा और ये क्वेश्चन इस बार आने की चांसेस 100% है। इस क्वेश्चन को जितना हो सकेगा आप तैयार ज़रूर कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि अगर आप लास्ट के लिए तैयार करने को छोड़ेंगे तो लास्ट में कुछ भी तैयार नहीं होता है। क्योंकि ऐसी स्थिति तब होती है जब आप एकदम से पूरा छोड़ के चलते हैं कि लास्ट में तैयार करेंगे और सारा बर्डन आप पर आ जाता है तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है आज का जो टॉपिक है आज ही तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान की ज़रूरत है। तो जनन स्वास्थ्य के तहत जननांगों की जानकारी, किशोरावस्था व उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित यौन प्रक्रिया, आर्तोचक्र में अनियमितताएँ, सगर्भता संबंधी पहलू, प्रसव चिकित्सीय सगर्भता समापन और यौन रोग जैसे एड्स या STD आदि के बारे में विशेष ध्यान देने योग्य है। तो ये बातें आपको ज़रूर लिखनी होंगी। जैसे इसमें 5-6 बातें हैं तो आप कोई 3 से 4 पॉइंट्स तो ज़रूर लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर 4 या 5 पॉइंट्स ही देखता है। तो
तो चार पॉइंट तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन इस चैप्टर के तैयार ज़रूर करिएगा। ये बात सत्य है कि इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक? बताइए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन और क्या हो सकता है। जैसे आप यौन शिक्षा पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ख्याल है, मतलब लोगों के ऐसे ख्याल रहते हैं कि पहले ये चैप्टर आता था तो लोग छिपा लेते थे, क्या करते थे, कापी को बंद कर लेते कि ऐसा ना हो जाए यौन शिक्षा या यौन से संबंधित चैप्टर खुल भी जाए, किसी टीचर के सामने खुल गया तो बच्चे उसको छुपा लेते, या टीचर से खुल गया तो उसको टीचर छुपा लेते थे। ऐसी मानसिकता बहुत हीन मानसिकता है, मतलब इसको संकीर्ण सोच कहते हैं। यौन चूँकि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे स्वस्थ शरीर तभी होगा जब हर पहलू उसका स्वस्थ हो, और ऐसे में यौन स्वास्थ्य या जनन स्वास्थ्य होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन जनन स्वस्थ नहीं है उसका, या रिप्रोडक्टिव वो नहीं है, इनफर्टाइल है, देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। और आप प्रॉब्लम आसपास बहुत ज़्यादा देखते भी हैं कि ऐसे बहुत सारे बैनर पोस्टर इन रोगों को लेकर के लगे होते हैं, जिससे ला करके लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठग जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठगी होती है और छोटा मोटा भभूत या चूरन दे करके और बहुत सारा पैसा लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी शिक्षा पहले नहीं थी। अब शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और ज़रूरी है कि आप भी एक जागरूक और एक सज्ञान व्यक्ति बने, जिससे जिसके पास जानकारी हो, खुद वो समस्याओं से दूर हट सके और दूसरों को भी यदि वो समस्या में फंस रहे हैं तो कुछ उपाय ज़रूर बता सके। मैंने पहले बताया था ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर को ज़रूर तैयार करिए। एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी करिए, साथ साथ में अपनी बॉडी के लिए भी इसको तैयार करिए, क्योंकि इसमें बहुत सही नॉलेज आपको मिलेंगी। इसके आंसर की बात करते हैं तो इससे बच्चों को अपने जन्नांगों के बारे में व समय अनुसार उनमें होने वाले परिवर्तन की सही जानकारी मिलती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब ये यौनारंभ होता है तो मस्तिष्क चूँकि थोड़ा विचलित होता है, हार्मोनल क्रियाएं होती हैं, और उस बच्चे को समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने जन्नांगों के साथ क्या करना चाहिए, अपनी भावनाओं के साथ क्या करना चाहिए, अपने हार्मोन्स के साथ क्या करना चाहिए, या कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और उनको मिल जाते हैं एक से एक ऐसे लोग जो एकदम बर्बादी का रास्ता दिखा देते हैं, और ऐसे चल करके जो बच्चे हैं वो गलत दिशा में चले जाते हैं और उनका भविष्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। उनको तब पता चलता है जब उनकी एज 25 के आसपास होती है और उनका करियर ज़ीरो होता है, तो उनको लगता है कि हाँ हम कहाँ नष्ट हो चुके हैं। तो मतलब बहुत बड़ा ये टॉपिक है और बहुत विस्तृत चर्चा होनी चाहिए इसके बारे में, लेकिन यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में आपको आंसर समझाएंगे। आई होप कि जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको बुरी ना लग रही हूँ। अगर नहीं लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक थम्सअप ज़रूर आप वीडियो पर प्ले कर देंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ मेरी बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपको सही लग रही हैं और आप सही मार्ग में जाना पसंद करते हैं। यदि सही मार्ग में जाना नहीं पसंद करते तो आप पढ़ाई ही क्यों कर रहे होते, क्योंकि आपके साथ ही बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूं ही आवारा गर्दी करते हुए घूम रहे होंगे। तो विद्यालय में यौन शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने क्या कहा, इस पर तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में आंसर यही लिखना है आपको। अगला पॉइंट होगा, वह जन्नांग की सफाई और देखभाल के प्रति सजग हो सकेंगे जिससे रोगों से बचाव होगा। ये पॉइंट्स भी वो जानते होंगे कि पहले के ज़माने के लोग बिल्कुल यौनांगों को मतलब साफ़ ही नहीं करते थे, या बहुत सारे रोग वहाँ पे हो जाते थे, इन्फेक्शंस हो जाता था। तो आप भी मतलब इस सब के बारे में जानकारी होगी तभी तो बच्चे इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, वह STD के बारे में जान पाएंगे। STD क्या है अभी मैं नहीं बताऊँगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में आप STD के बारे में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखी है। या यौनारंभ में होने वाले शारीरिक मानसिक व व्यवहारिक परिवर्तनों की सही जानकारी देगी, बच्चे गलत रास्ते पर जाने व गलत धारणाओं से बचेंगे, परिवार नियोजन व स्वस्थ लैंगिक संबंधों के बारे में जान पाएंगे, साथ साथ में विद्यार्थी जो हैं जननात्मक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज निर्मित करने में अपना अहम योगदान दे सकेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी कुछ हमको इससे सीखने को भी मिलता है, क्योंकि इन लाइफ अगर हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, हमने कहा है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो। क्योंकि एक डॉक्टर यदि अच्छा इंसान नहीं है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और एक अच्छा इंसान अगर डॉक्टर नहीं भी बना तब भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मानते हो कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन किए। बिल्कुल मानते हैं, 50 साल से पहले के लोग, देखिए आप, उनको जीने का तरीका नहीं मालूम, और आज लोग सिखाते जानते हो क्या कि पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छे ढंग से जीते थे, वेल सिविलाइज थे, उनके पास सिविलाइजेशन बहुत अच्छा था, वो लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं थे। बिल्कुल भी गलत है, आज के लोग सिविलाइज हो रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी और भी वेल सिविलाइज होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा शिक्षित होगा समाज उतने ज़्यादा सिविलाइज होगा। हम बिल्कुल ये नहीं मानते हैं कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे या वेल सिविलाइज थे, उनके अंदर बुराइयाँ नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप हर क्षेत्र में अच्छाई भी नहीं पा सकते हो और सभी को बुरा भी नहीं कह सकते हो। पहले भी बहुत अच्छे लोग होते थे और आज के ज़माने में भी बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, जैसे कि आप लोग हैं। तो इसके आंसर की बात करते हैं, और ये आंसर है हाँ, पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित तौर पर हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधार के कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे शिशु व मातृ मृत्यु दर घट गई है, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में प्रसव क्रिया होती, पहले प्रसव क्रिया घर पर ही कराई जाती थी, अब प्रसव क्रिया हॉस्पिटल में होती, डॉक्टर के साथ में निगरानी में होती है, जिससे कि कोई भी समस्या आने पर डॉक्टर्स उसका इलाज कर देते हैं। तो आगे है, यौन संचित रोगों का शीघ्र पहचान होता है और उनका समुचित उपचार उपलब्ध हुआ है। बंध दंपति को विभिन्न तकनीकी द्वारा संतान का लाभ प्राप्त होता है, इसकी भी कई सारी तकनीकियाँ हमने आपको बताई हैं, पढ़ोगे तो उसको मजा आएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं एवं जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज और उपलब्धता हुई है, चिकित्सीय सहायता हेतु सुरक्षित प्रसव आदि की सुविधा हुई है, लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, और साथ साथ में यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता इसका प्रमाण है। नेक्स्ट है, बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु सरकार व आम जनता प्रयास कर रही है। तो इसमें से कोई 4 या 5 पॉइंट्स ही आपको लर्न करने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप 9 पॉइंट्स दिए गए 9 ही लर्न करें, कोई 8 पॉइंट या कोई 4 पॉइंट, 5 पॉइंट मैक्सिमम याद करिए आप, और 5 पॉइंट वैसे ही भी आप लिख सकते हो। हमने क्या कहा कि इस पॉइंट पर आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं? तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के बारे में तो बहुत अच्छे से आप यूँ ही जानते होंगे, कितनी ज़्यादा समस्या क्रिएट हो रही है आज, वो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। तो जनसंख्या वृद्धि सामान्यतः प्रकृति स्वयं अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं, जैसे अकाल, महामारी एवं प्राकृतिक प्रकोपों, आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ आदि द्वारा जीवों की संख्या में संतुलन बनाए रखती है, किंतु इन आपदाओं से निपटने में समर्थ होने के कारण मानव जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मानव क्या कर रहा है, अगर भूकंप आया तो घर से बाहर भाग गया, बाढ़ आया तो अलग चला गया, आंधी तूफान आया तो घर में बैठा है, कोरोना आया तो भी वो घर में बैठा है। तो ऐसे में क्या है, ये सब से बच रहा है, जिससे क्या है, संख्या में वृद्धि बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर घटती जा रही है, और यही सब जनसंख्या वृद्धि का जो है कारण है। तो इसमें मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है निम्न सामाजिक स्तर, इस पर भी आप बहुत बृहद स्तर लिख सकते हो, कोई 3 या 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा और उनको आप तैयार करिएगा। हो सकता है ये तो ऐसे ही आप लिख सकते हो, याद क्या करना है इसमें, आप अभी मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, आप साथ साथ में पढ़ेंगे, साथ साथ में हो सकेगा तो बोलने का भी प्रयास करिएगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो निम्न सामाजिक स्तर, लो सोशल स्टेटस, मतलब बहुत निम्न समाज के लोग तो आपके आसपास रहते ही, निम्न समाज का मतलब सोच उनकी बहुत निम्न है, क्योंकि सोच ही समाज का निर्माण करती है। हम क्या हैं या आप क्या हो, ये डिपेंड करता है कि हमारी और आपकी सोच क्या है। तो सोच बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे देश में लोगों का रहन सहन निम्न स्तर का है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, जो यह विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक धनोपार्जन होगा। इस कारण निर्धन परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं, और सब ईश्वर की कृपा है और जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं लगातार। निरक्षरता, भारत में निरक्षरता का प्रतिशत ज़्यादा है आता, लोग छोटे परिवार को महत्व नहीं समझते, इस कारण लगातार संतान उत्पत्ति होती रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक रीति रिवाज, हमारे देश में बच्चों को ईश्वर का देन माना जाता है और परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक समझा जाता है, या माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, इस कारण
पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु कई संतानें पैदा कर लेते हैं जिसके कारण परिवार बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक कुरीति है, सामाजिक रीति रिवाज अभी भी व्याप्त है। और नेक्स्ट है कम आयु में विवाह। हालांकि ये पॉइंट तो अब मतलब एकदम से ख़त्म हो गया है, बहुत कम आप देखने को पाते होंगे कि कम आयु में विवाह, क्योंकि अब जान ही नहीं मिलता है कितनी जल्दी कितनी अधिक आयु हो गई और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। 20-25 साल तो ऐसे ही आयु बीत जाती है पढ़ते पढ़ते। जो नहीं पढ़ रहा है वही उसी को आयु का पता चलता है, अभी जो पढ़ रहा है उसको तो पता ही नहीं चलता है कि मैं कब 8th में था, कब 10th में पहुँचा, कब 12th पास करके, कब हम कहाँ तक पहुँच गए, उसको पता ही नहीं चलता है और कब उसकी मैरिज हो गई। तो ऐसे में ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार, देखो यहाँ मेंशन करना है आपको, शिक्षित परिवार ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो शिक्षित है तो वो हर पहलू को अच्छे से समझने का प्रयास करेगा। तो आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में है। अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं जिसके कारण कम आयु में हुए दंपति संतान पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। 4 पॉइंट्स हो गए। पांचवे पॉइंट्स की बात करते हैं तो पांचवा पॉइंट है मृत्यु दर में निरंतर कमी। मृत्यु दर कम हो रही क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधाएं जो मिल रही हैं, तो विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कारणों से फलस्वरूप मृत्यु दर लगातार में कमी आ रही है और जन्म दर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में वर्ष 1921 में मृत्यु दर 49.2 व्यक्ति प्रति हज़ार थी, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार 7.2 व्यक्ति प्रति हज़ार हो गई। अब आप सोचो कि कितना ज़्यादा कम हो गई है, तो जनसंख्या क्यों ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खाद्यान्न और उच्च उत्पादन तकनीकी सुधार में वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जिससे अनाज एवं सब्जियों की उपलब्धता बढ़ी। अब सब्जी नहीं बढ़ रही तो इंजेक्शन लगा के बना लिया जाता है, तो मतलब सुविधाएँ हाइब्रिड बीज बोए जाते हैं जिससे अधिक से अधिक फसल होए और अधिक से अधिक लोग खाएँ ताकि अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर सकें। तो खाद्यान्न भंडारण की आधुनिक तकनीकियों के कारण लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है तथा परिवहन साधनों के द्वारा खाद्यान्न की कमी न होने से विश्व के किसी भी भूभाग पर पहुंचना संभव हो सका है। मतलब भोजन हर जगह पहुंच जा रहा है तो कोई भी भूख से आज नहीं मर रहा है। ये पॉइंट्स कहने का अर्थ कि ये मानव ने पर्यावरण की कई दशाओं को अपने हिसाब से परिवर्तित करने की क्षमता को विकसित करके अपने अस्तित्व को और अधिक सक्षम बना लिया है, तो इन्हीं कारणों से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्याय उचित है? कारण सहित बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपके लिए भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम के जानकारी के लिए भी ज़रूरी कि क्या जो गर्भ निरोधक हैं उनका उपयोग न्याय उचित है या अनुचित है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या से पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ रहा है। जिन देशों की जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ मूलभूत सुविधाएँ जैसे खाद्य, कपड़ा, मकान आदि अभाव हो रहा है, इसलिए सरकारों पर दबाव बना हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रित की जाए। समस्या को निपटने के लिए सरकार परिवारों को छोटा रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार पोस्टर व ऑडियो विजुअल के माध्यम से, विजुअल का मतलब फिगर्स या चित्रों के माध्यम से, टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ऐसे गर्भ निरोधक तरीके से अपनाने की सलाह देती है जो आसानी से उपलब्ध हों तथा जिनका नुकसान नहीं होता है। ये गर्भ निरोधक साधन परंपरागत हैं, टीका या जो दवा खाई जाती है ऐसी औषधियाँ तथा अंतररोप हो सकता है। अंतररोप का मतलब जैसे कॉपर टी वगैरह है, तो इन ये हो सकते हैं जिनका उपयोग से जनसंख्या को काबू में रखने के साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध व संतुलित रखा जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को कम करके हम परिवार, समाज व देश की समृद्धि में सहयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जाता है, क्यों? ये बात बहुत सत्य है और जहाँ तक हो सके संयम या गर्भ निरोधकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए परिवार नियोजन के लिए, और जो जनन ग्रंथि हैं इनको हटाना उचित नहीं है, क्योंकि जब हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार का कंट्रोल होता है, एक तो तंत्रिका कंट्रोल होता है मस्तिष्क द्वारा, दूसरा रासायनिक कंट्रोल होता है, वो करते हैं हार्मोन्स,
और कोई ग्रंथि अगर आप काट देते हो तो देन हार्मोन्स वहाँ के सिक्रीट नहीं होंगे और इससे हो सकता है बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएं। तो हमारे शरीर पे कंट्रोल मतलब रखने के लिए हार्मोन्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आंसर को देखते हैं। तो गर्भ निरोधकों का उपयोग एक ऐच्छिक क्रिया है जिसमें दंपति अपने इच्छा के अनुसार प्रयोग करके गर्भधारण से बचता है और जब आवश्यक हो तो उसे उपयोग ना करके सगर्भता में प्रवेश कर सकता है, परंतु जनन ग्रंथियों को एक बार हटा देने पर शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है तथा पुनः गर्भधारण कर पाना असंभव हो जाता है। पुनः गर्भधारण कर पाना असंभव हो जाता है, यहाँ असंभव कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जनन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन भी शरीर पर अभाव हो सकता है जिनके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं दो बच्चे हुए और इसके बाद ऑपरेशन करा लिया गया और हो सकता है कोई देख तो आया नहीं है भविष्य इन फ्यूचर क्या होता है और कुछ ऐसी घटना घटती ही तो ऐसे हाल में और बच्चे उनके द्वारा पैदा नहीं किए जा सकते। इसीलिए जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधक का उपाय नहीं माना जाता क्योंकि एक अस्थाई विधि है, परमानेंट विधि। हमने तो सारी विधियाँ आपको पढ़ाई हैं कि गर्भ निरोधक की कितनी विधियाँ हैं, सबके एग्जाम्पल्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। जिन्होंने पढ़ा है ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ आया है, बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्व वेदन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी लिखिए। मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो लिंग परीक्षण जो कराया जाता है वो यहाँ पर निषेधित क्यों है? क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा लैब्स में लगा होता है कि भ्रूण लिंग का जांच कराना या मादा भ्रूण का जांच कराना किसी भी तरीके से पूर्णतया निषेधित है, ऐसा करने पर जुर्माना या सज़ा हो सकती है। तो ये पॉइंट्स क्यों हैं आखिर, उसकी बात करते हैं। उल्वेदन तकनीकी में जन्म से पूर्ण भ्रूण के स्वास्थ्य लिंग या अनुवांशिक संरचना ज्ञात करने में सहायक होती है। परिवर्धित भ्रूण माता के गर्भाशय में उल्व द्रव में डूबा रहता है। इस द्रव की कुछ मात्रा सुई के द्वारा बिना भ्रूण को क्षति पहुंचाए नमूने के रूप में निकाल लिया जाता है। द्रव में उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्र का निरीक्षण करके उनमें उपस्थित रोगों का अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, रोगों का अध्ययन करते हैं। यदि भ्रूण को जन्मजात ठीक न होने वाला रोग है तो गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण का चिकित्सीय सगर्भता समापन कर देते हैं, अर्थात उसको वहीं पर मतलब मार दिया जाता है। इस तकनीकी का दुरुपयोग करते हैं लोग, चूँकि हमने कहा इस जिस चीज़ का सदुपयोग है लोग उसको दूसरे वे में ले जाते हैं। अगर आप भ्रूण का लिंग जांच या स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं तो इससे आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन उस जानकारी को लेकर के लोग गलत एक्शन लेते हैं। तो ऐसे में कहा गया इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण के लिंग पहचान के लिए भी किया जाता है और जो गैर कानूनी भ्रूण के मादा होने पर पता होने पर अक्सर गर्भपात करा दिया जाता है जो एक दंडनीय अपराध है। तथा भारत में प्रीनाटल डायग्नोस्टिक तकनीकी एक्ट 1994 लागू किया गया जिसके अनुसार सभी अनुवांशिक सुझाव केंद्रों एवं प्रयोगशाला का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया एवं इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप जरूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियाँ लिखिए। इन पर हमने तो डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, जा करके ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी विधियों के बारे में हमने डिटेल में आपको अच्छे से समझाया है। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी में उपस्थित तकनीकी बंधता से पीड़ित दंपतियों के लिए आशा की किरण है। जब बंधता के कारणों को उपचार द्वारा ठीक करना संभव नहीं हो पाता है तब इन विशेष तकनीकियों द्वारा संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती है। ये सहायक जनन तकनीकी कहलाती हैं या प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे कुछ निम्न है, जैसे स्वपात्र निषेचन, युग्मक का अंता फैलोपियन स्थानांतरण, अंता कोश के शुक्राणु निक्षेपण, कृत्रिम वीर्य सेचन, ओसाइड दान विधि, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, प्री इम्प्लांटेशन, जेनेटिक डायग्नोस्टिक। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से जा करके जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखने दें तो पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को यौन संचरित
रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, बताइए। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यौन संचरित रोगों से बचाव हेतु सर्वप्रथम उपचार से पूर्व बचाव पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इन रोगों से निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप द्वारा अभ्यास अगर करें तो बचाव किया जा सकता है, जैसे अनजान या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, लैंगिक संपर्क आपको तभी करना चाहिए जब आपकी मैरिज हो जाती है, देन आपको एक पार्टनर मिल जाता है, उस लाइफ पार्टनर के साथ आप यौन संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में यौन रोग आपके आपको प्रभावित नहीं करता है या किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति मैरिज से पहले ही एक से अधिक बार या एक से अधिक लोगों के साथ किसी भी रूप में अगर यौन संबंध बनाता है तो ऐसे में इन्फेक्शन होने के 100% केसेस देखने को मिलते हैं। तो मैथुन के समय अवरोध विधि जैसे कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए और सदैव निजर्मीकृत, मतलब उसमें जर्म्स ना हो, स्टरलाइज्ड सुई एवं सिरिंज का उपयोग किया जाना चाहिए तथा नशीली दवाओं के प्रयोग से बचकर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, लोगों को यौन एवं लैंगिक संचरित रोगों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये भी पॉइंट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीन या चार पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, तीन चार पॉइंट ही तैयार करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य सही हैं या गलत व्याख्या कीजिए। इसमें से कोई दो वाक्य एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, सभी तो नहीं आते हैं लेकिन एक दो ज़रूर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ये आप जानते हो बिल्कुल हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सही है, हार्मोन श्रावण में असंतुलन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से अतिरिक्त स्राव, एंडोमेट्रियम पर आई असामान्यताएँ, एंडोमेट्रियम के स्राव में कमी या वृद्धि या किसी दवा का अनुसंगी प्रभाव आदि कारण से स्वतः गर्भपात हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं दोषों का कारण होती है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें पुरुष भी शामिल हो सकता है। तो इसको लिखेंगे गलत है क्योंकि इसका कारण स्त्री व पुरुष दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जनन क्रिया दोनों के सही होने पर ही पूर्ण होती है। यदि पुरुष में शुक्राणु नहीं बनते, कम बनते या गतिशील नहीं होते तो यह पुरुष की कमी के कारण उत्पन्न बाध्यता है, इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है। कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ऐसे लिख दी गई, कई केसे ऐसे देखने को मिले जिसमें पुरुष जो था नपुंसक था या उसके स्पर्म कम थे, स्पर्म काउंट कम था या स्पर्म गतिशील नहीं थे और आरोप उसने फीमेल को लगाया और फीमेल को प्रताड़ित किया कि हाँ इसके वजह से ही बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। जबकि जब भी आजकल के डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, वो मेल का भी स्पर्म काउंट कराते हैं जब भी इन सब का ट्रीटमेंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान करना सहायक है, स्तनपान कराना जो है वो सहायक है, तो सही है, इससे रजोधर्म नहीं होता, परंतु यह विधि शिशु के जन्म के अधिकतम 6 माह तक ही कारगर होती है, वो भी आजकल तो 4 माह तक अगर कारगर हो गई तो समझिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट था, लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है, तो सही है, सही जानकारी व उसके लाभ पता होने से लोगों में जनन स्वास्थ्य में सुधार आता है। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है उसके आंसर पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि गर्भनिरोधक शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने से रोकते हैं या युग्मक बनने को रोकते हैं, तो गर्भनिरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक संलयन या निषेचन को रोकते हैं, इन कथनों को आपको सही करना है। सभी प्रकार की यौन संचरित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लिखा है, यकृत शोथ या इसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी जननिंग मत से एड्स को छोड़कर सभी यौन संचरित रोग सही समय पर उपचार करवाने के लिए पर सही हो जाते हैं, लेकिन ये रोग सही नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट था, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक के रूप में गोलियाँ बहुत अधिक लोकप्रिय हैं, तो इस सही सेंटेंस को सही करने के लिए लिखेंगे गर्भनिरोधक गोलियाँ प्रोजेस्टेरोन अथवा एस्ट्रोजन की संयोजक होती हैं। सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली उच्च गर्भनिरोधक क्षमता वाली है, यह सस्ती एवं या प्रयुक्त करने में
जो है वो सरल है, इसके दुष्प्रभाव भी कम है, अतः यह ग्रामीण व शहरी महिलाओं सभी में लोकप्रिय है। सहेली नाम की गोली, सहेली और मालाडी दो गोलियों के बारे में हमने चर्चा की थी। ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या है? तो ईटी तकनीकी में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका सही आप सेंटेंस लिखेंगे, ईटी में भ्रूण अगर 8 ब्लास्टोमियर अवस्था से ज़्यादा का होता है तब उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये थे 12 क्वेश्चन जो कि हमने लिए थे आपकी एनसीईआरटी बुक के फोल्डर से, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसके फोल्डर से लिया था। एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे और उनका सलूशन आई होप कि आपने समझा होगा। अगर कहीं भी पॉइंट्स कुछ मिस हो जा रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। आज की क्लास ज़रूर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा।